हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो SOL के जो है थर्ड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आप जो है कैसे तैयारी करें, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको जो है पढ़ना है, कौन सा नोट्स पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है जिसके कारण आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क्स आ पाए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों SOL के थर्ड ईयर के छात्रों का जो है ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ये जो है कंफर्म हो चुका है और इसको लेके जो है टेंटेटिव डेट शीट भी जो है रिलीज कर दिया गया है। और ये एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन ही होगा, यानी कि ओपन बुक के माध्यम से आपका ये एग्ज़ाम होगा जिसमें जो है आपको अपने घर बैठे बैठे ये एग्ज़ाम देना होगा। तो बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि हम कैसे फिर एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को अभी SOL की तरफ से स्टडी मटेरियल नहीं मिला थर्ड ईयर का, कुछ छात्रों के पास मिला भी है तो आधा अधूरा है। तो ऐसे में जो है कैसे वो तैयारी करें, कौन से बुक्स पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा है SOL का तो आप जो है पहले स्टडी मटेरियल पढ़ लें। आप स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे तो आपको मोटा मोटी जो है फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम में आएगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। हालांकि ये जो है ऑनलाइन ही लिखना होगा, यानी कि आपको जो है A4 साइज़ का सीट लेना है और उसी पे जो है आपको ये अपना जो है आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन आपको ऑनलाइन जो है भेजा जाएगा, डैशबोर्ड पे जो है यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जो है अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे और यहीं पे जो है लॉगिन करके आपके जो है क्वेश्चन डाउनलोड करना है और यहीं से जो है दोबारा आपको जो है आंसर अपने जो है A4 शीट पे जो है लिख लेना है, उसके बाद फ़ोटो खींच के जो है अपलोड करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जो है अपना स्टडी मटेरियल जो है पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको मोटा मोटी फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और किस तरह से आपको जो है लिखना है। लिखना वैसे ही है जैसे आपने जो है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो है जैसे आपने लिखा होगा, तो उसी तरह से आपको जो है एग्ज़ाम देना है। तो इसका ध्यान रखिएगा और इसको लेके जो है स्टडी मटेरियल यहाँ पे रिलीज भी किया गया है, तो यहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल है, UG स्टडी मटेरियल पे आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके भी जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर भी जो है पिछले साल का कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप तैयारी करें। बाकी जिन छात्रों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो वो जो है क्या करें, तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको आसान तरीका बता दूँ। आपके घर के आसपास में जो भी बुक शॉप है जिसमें आपको जो है 10 ईयर बुक मिल जाएगा या फिर सतीश एंड ब्रदर्स है, वो बुक परचेज कर ले जिसमें जो है पिछले 10 साल के क्वेश्चन होते हैं, साल के क्वेश्चन होते हैं और उसी से लगभग जो है आपको पूछा जाता है। तो वो जब आप पढ़ लेंगे या फिर जिस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे या फिर ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम भी होगा तो आप जो है उसको देख के जो है अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो इसलिए जो है आप या तो 10 ईयर परचेज़ कर लें या फिर जो है सतीश एंड ब्रदर जो होता है या फिर और भी कई तरह के जो है चैम्पियन होते हैं जिसे हम हेल्प बुक भी कहते हैं, वो जो है आपके बुक शॉप पे जो है नियर जो बुक शॉप है आपके घर के आसपास में वहाँ पे मिल जाएगा और उससे आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में और उसमें जो है आप कम समय में जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और उसमें नंबर भी जो है ज़्यादा आता है, तो अच्छे से आप जो है ज़रूर लिखिएगा। बाकी दूसरा ये है कि अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि रेगुलर कॉलेज में हालांकि सेमेस्टर सिस्टम लागू है लेकिन फिर भी जो है कई नोट्स जो है रेगुलर कॉलेज के मिल जाते हैं जिसमें आपको जो है सेम जो है टॉपिक होता है, तो वहाँ से भी जो है आप अपना जो है उन दोस्तों से भी जो है नोट्स मांग सकते हैं, क्योंकि अभी जो है उनका ऑनलाइन क्लासेस चलाता है जिसमें टीचर जो है उन्हें ऑनलाइन नोट्स भी जो है भेजते हैं, तो वो अगर उनके पास होगा तो वो जो है आपको भेज देंगे, तो उससे भी काफ़ी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो वो भी जो है पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। बाकी तीसरा यही है कि आप ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड करके खुद से जो है पढ़ लें। बाकी स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है थर्ड ईयर का तो ज़रूर उसे पढ़ के जाएँ, क्योंकि उसमें जो है आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी आप जो है इग्नू का नोट्स अगर मिल पा रहा है आपके बुक घर के आसपास, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो बुक मिलना जो है मुश्किल है, अगर इग्नू का नोट्स मिल पाता है कहीं से तो वो भी जो है आप परचेज़ कर सकते हैं और उससे जो है बहुत बेहतर नोट्स जो है माना जाता है, ये जो है DU के रेगुलर कॉलेज के भी जो है छात्र पढ़ते हैं, तो उससे भी जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरह से तैयारी करें। बाकी जो है आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कि अगर आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में और 5 क्वेश्चन जो है टोटल 20-20 नंबर का आएगा और ये जो है आपको करना होगा और इसी में जो है इसलिए जो है आपको कम से कम
कम से कम अगर आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर देना है वो 5-6 पेज में देना होगा। तो इसलिए जो है अगर आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी से आप जो है एग्जाम के समय में अच्छा लिख पाएंगे और कम समय में जो है अच्छे से जो है पूरे आंसर का जो है क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाएंगे, तो आपका जो है पूरा नंबर आ जाएगा और अच्छा नंबर आएगा। हालांकि एसएल में देखा गया है कि एनुअल मोड के छात्रों का जो है बहुत कम नंबर होता है, तो ये जो है उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसा अगर आप देंगे तो आपका नहीं होगा, अच्छा से अच्छा नंबर आ पाएगा। बाकी और भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।